डिफॉल्टर सरकारी विभागों द्वारा बिजली का बकाया जमा न करवाने वालों के खिलाफ छेड़ी मुहिम के तहत पंजाब पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने आज लुधियाना की केंद्रीय जेल का करीब 1,08,93,000 रुपए का बिल जमा न होने के कारण बिजली का कनेक्शन काट दिया। इससे पहले पावरकॉम ने 25 फरवरी को भी यहां कनेक्शन काटा था, लेकिन केंद्रीय जेल प्रशासन के मान मनोबल के बाद बकाया जमा करवाने के लिए 10 दिन का समय लेकर कनेक्शन जोड़ दिया गया था, लेकिन अब निर्धारित समय में बिल की अदायगी न होने के कारण आज फिर से ये कनेक्शन काट दिया गया, जिसके बाद जेल अधिकारियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल जेल सुपरिटेंडेंट द्वारा निजी तौर पर मुख्य इंजीनियर से बातचीत करके तथा बिजली का बिल जल्दी जमा करवाने का आश्वासन देकर शाम को ये कनेक्शन बहाल करवा लिया गया है। ये रिक्वेस्ट की थी भाई 1,08,00,000 रुपया वा ये सरकार पद्धत ते लिखा वा साडे हेड सलाम एडी साहब ने तो छेती ही जो आजूगा तो जमा करा देवे साड़ी जी बिजली सप्लाई की। इस संबंध में मैं चेयरमैन साहब ने टेलीफोन गल की, उन्होंने सारी स्थिति जाणू कराया गया तो उन्होंने भरोसा दवाया कि तुहाडे जिहड़ा केस बचारा जाऊगा। ए सेंट्रल जेल के नाम से जोड़ा कनैक्शन है ये 1,08,00,000 के लगभग बकाया रकम खड़ी है। ये जी डिफॉल्टिंग अमाउंट आ काफ़ी पिछले समय तो इन्हों के खाते दे विच खड़ी आ, बार बार कहते इन्हों बार बार कहते भी इन वालों जमा नहीं कराया गया। इन्हों सिद्धू साहब जोड़े जेल स्टूडेंट ने श्री जी के सिद्धू SSP उन्होंने दस दिता गया है और उन्होंने वालों भरोसा दवाया गया है कि वो जल्दी ही कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे ते साड़ा जिहड़ी जल्दी अदायगी के लिए उपराले करेंगे। लेकिन आने वाले समय में ये बिल जमा ना करवाया गया तो दोबारा कनेक्शन कट सकता है। लुधियाना से जागृति लहर के लिए कुलबीर राही की रिपोर्ट।